तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बात करेंगे एम एस एक्सेल के इम्पोर्टेंट 15 IMP क्वेश्चंस के बारे में। वो क्वेश्चन CPCT, CCC, PGDCA एवं और सभी जितने भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये क्वेश्चन हम केवल क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ हम लोग इनके जितने इफेक्ट्स बन सकते हैं इन 15 क्वेश्चन में तो वो सभी समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एम एस एक्सेल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैं इसका सही आंसर दे दे रहा हूँ आपको, एम एस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि एम एस एक्सेल में अलग अलग प्रकार की स्प्रेडशीट्स तैयार की जाती हैं। ठीक है, अब आता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है? तो एम एस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जा सकता है। और प्रेजेंटेशन के किससे रिलेटेड है? प्रेजेंटेशन रिलेटेड है एम एस पावर पॉइंट से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड हो जाएगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? अब पहले तो बात कर लेते हैं वर्कशीट क्या होती है। तो देखिए एम एस एक्सेल जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसमें तीन सीट ए, सीट बी और सीट सी 1, 2, 3 के नाम से आता है, 1, 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तीन सीट होती हैं, तीनों सीट में से आप जिस प्रथम सीट में काम कर रहे होते हैं डिफ़ॉल्ट सीट में उस सीट को वर्कशीट कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब सेल क्या होता है आप सभी को पता होगा, ऐसे ऐसे रो एंड कॉलम बने होते हैं, ये कॉलम हो गए और ये रो हो गए। ठीक है, और रो और कॉलम के मिलन को ये बीच का जो स्थान होता है ना इसको सेल कहा जाता है। ठीक है, और सेल एड्रेस क्या होता है? सेल एड्रेस बता दे रहा हूँ, ए बी सी डी इस प्रकार से इधर बना होगा, 1, 2, 3 इस प्रकार से इधर बना होता है। तो यहाँ का एक मिला करके और यहाँ का ए मिला करके पर्टिकुलर जिस एड्रेस पे अपन काम कर रहे होते हैं, सेल पे काम कर रहे होते हैं, वो होता है उसका सेल एड्रेस। ठीक है, तो किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A1, वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस। मतलब आपकी ये वर्कशीट हो गई, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं और इसमें मैं बढ़ा ले रहा हूँ। अब देखिए 1, 2, 3 और कंटिन्यू 4 और ए बी सी डी से लेकर जितनी तक। ठीक है, तो एक इधर का हो गया और ए इधर का हो गया, तो इसके जो बीच के मिलन हो गया ना, पहला वर्कशीट का पहला सेल हो गया, उसको बोला जाता है A1। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है? तो चलिए ये बात हो रही है, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है? तो प्रथम ये था, तो लास्ट क्या होगा? लास्ट ये होगा कि जो एम एस एक्सेल होगा उसके लास्ट कॉलम का और लास्ट रो का बीच का जो यहाँ का मिलन होगा लास्ट वाला, इसका एड्रेस पूछा है इन्होंने, तो क्या होगा अब आप बताइए। तो मैं इसका सही आंसर दे दे रहा हूँ, तीसरे का सही आंसर है AN 65536। क्यों है ये बता दे रहा हूँ, 2003 एम एस एक्सेल में 65536 रो होती थी, ठीक है, और कॉलम होते थे 256। ये बात हो रही है 2003 के पहले की। ठीक है, 2003 के पहले की जो एम एस एक्सेल होता था उसमें 65536 रो होती थी और 256 कॉलम होते थे। ठीक है, तो 256 वा कॉलम के इधर लास्ट का ये और रो इसका ये लास्ट में मिलाकर के सेल बनता है, उसको बोला जाता है N 65536। अब इसके बारे में और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, 2007 और उसके बाद के जितने भी एम एस एक्सेल या उसके अलग अपडेट वर्जन हैं उनमें 1,48,576 रो होती हैं। आप नोट कर सकते हैं 1,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है, 2007 के बाद के एम एस एक्सेल में कितनी रो होती हैं? 1,48,576 ये हो गई रो आपकी, और कॉलम कितने होंगे? कॉलम होंगे 16,384। ठीक है, ये हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? तो ये आपको देख सकते हैं एक्सटेंशन दी हुई है, इनमें से कौन सी जो फाइल है वो ग्राफिकल फाइल नहीं है? देखो .gif, .bmp, .jpg ये होती हैं। gif मतलब होती है चलती हुई तस्वीर बोल सकते हैं इसको, बिटमैप इमेज हो गई, jpg फाइल हो गई,
और जो .txt होती है वो ग्राफिकल फाइल नहीं कहलाती, ये टेक्स्ट फाइल कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? पाँचवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, वर्क बुक कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में, ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ा था इसके थोड़े से डिटेल्स में समझ लेते हैं। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, वर्क बुक। अब वर्क बुक क्यों कहा जाता है? वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, मतलब एक दो तीन मैंने बताया था सीट होती है, इन तीनों सीट के समूह को जो एक फाइल तैयार होती है उसको वर्क बुक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठवा क्वेश्चन है हमारा, छठवें क्वेश्चन में ग्राफिक्स कार्यों को करने के लिए क्या आवश्यक है बताया गया है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? ग्राफिक्स कार्यों को करने के लिए किस कंप्यूटर की आवश्यकता है, मतलब कौन सा कंप्यूटर जो अनिवार्य है या आवश्यक होता है? ठीक है, तो आप लोग आंसर बता सकते हैं, आप गैस कर सकते हैं और लास्ट में बता सकते हैं कितनी सही है कितनी गलत है। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर जो है ग्राफिकल कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की ओर। एम एस एक्सेल में फार्मूला हमेशा खाली स्थान से प्रारंभ होता है, तो आप सभी को पता होगा जब एम एस एक्सेल में आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो इज इक्वल टू से शुरू ही होता है। जैसे आप कुछ भी फार्मूला लगाएंगे तो आप पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे सम, जैसे टोटल का फार्मूला लगाया, फिर कॉलन लगाएंगे और फिर रो एड्रेस डालेंगे A1 से A1 कॉलन। अब जैसे मैं एक फार्मूला लगाना बता दे रहा हूँ, जैसे आपको सेल एड्रेस B रख लेते हैं B2 तक के टोटल चाहिए। ठीक है, तो आप इधर फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू SUM, फिर कोष्टक लगाएंगे और लिखेंगे A1 कॉलन का मतलब ये B2। ठीक है, तो A1 से लेकर B2 में जितने भी डिजिट होंगे जो भी होंगे उनका टोटल आप जिस सेल में आप ये सूत्र लगाएंगे वहाँ पर इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट का प्रकार है लोटस 1-2-3, MS Excel, सॉफ्ट केक या उपरोक्त सभी? तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। MS Excel माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्प्रेडशीट के ही एक प्रकार हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है फॉर्मेट मेन्यू से, डाटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से या इंसर्ट मेन्यू से? नौवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो नौवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू से। ठीक है, सेल के प्रारूप बदलने का कार्य कहाँ होता है, फॉर्मेट का, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो फॉर्मेट मेन्यू आपको जल्दी से इसमें लगा देना है। और कोई भी फाइल है गई, कोई भी पिक्चर हो गई, कुछ भी इंसर्ट करने की यदि बात आती है तो वो इंसर्ट मेन्यू आपको बिना देखे लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दसवां क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट, साधारण पेपर, वर्कशीट या इनमें से कोई नहीं? इधर इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है, क्वेश्चन लेने का मेरा मोटिव ये था, इधर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्प्रेडशीट और वर्कशीट 90% लोग इसमें फंस जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ गलत लगा करके जल्दी से वो आ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग वर्कशीट भी लगा सकते हैं, कुछ लोग स्प्रेडशीट भी लगा सकते हैं, तो मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, दसवीं का सही आंसर हो जाएगा ए, स्प्रेडशीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्यारहवें क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है डेटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से, एडिट मेन्यू से या फाइल मेन्यू से? तो ग्यारहवें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ग्यारहवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एडिट मेन्यू सी। ठीक है, डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट करने के लिए एडिट मेन्यू का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बारहवें क्वेश्चन की ओर। किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो बारहवीं क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, सेल। देखिए वही बात आई इधर, किसी पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन को, पंक्ति ये कॉलम हो गया और ये पंक्ति इसके प्रतिच्छेदन को, मतलब इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेल। ठीक है, चलिए तेरहवीं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक्सेल विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है, जो MS Excel होता है उसकी जो एप्लीकेशन विंडो होती है उसके सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मेटिंग बार या कोई नहीं? तेरहवें क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, अब क्या हो जाएगा, तो तेरहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मेटिंग बार। चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे साथ है एक
एक्सेल की स्प्रेडशीट, एक एक्सेल की विंडो, ठीक है, उसकी एक कॉपी। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए इधर देख लेते हैं, ये जो लाइन होती है ये होती है मेनू बार। इसमें मेनू दिए गए हैं, कौन कौन से मेनू, इंसर्ट हो गया, होम हो गया, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, प्रीव्यू और व्यू। ये है एम एस एक्सेल 2007, ठीक है। चलिए अब जो मैं सेल की बात कर रहा था, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो कुछ भी लिखा है। तो जैसे 7 ये लिखा है और इसको डी को इधर पकड़ के ले आओ, इसका सही आंसर क्या होगा, D7, सेल एड्रेस होगा D7, ठीक है। और पढ़ लेते हैं हम लोग फार्मूला वार क्या होता है। ये जो एफ एक्स लिखा है ये पट्टी होती है, ये होती है फार्मूला वार, ठीक है। स्टैंडर्ड वार क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको ये होता है स्टैंडर्ड वार, और ऊपर जहाँ पे आपके एक्सेल वर्कबुक का नाम लिखा होता है उसको बोलते हैं टाइटल वार। और मेन्यू वार मैं आपको बता दिया है, ये कहलाता है रिवन, और साथ ही साथ नीचे देख सकते हैं जहाँ ये लिखा है रेडी वो कहलाता है स्टेटस बार। और जिस वर्कशीट की मैं बात कर रहा था वो होती है सीट 1 2 और 3, इधर आप जितनी चाहें सीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इधर देख लेते हैं क्या होता है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार इधर दिया हुआ है। इससे होता क्या है मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपने इतना तो आपकी विंडो में दिख रहा है, अब आपको टैब के माध्यम से इधर इस साइड जाना है या फिर इस माउस के द्वारा क्लिक करके आप इस साइड जा सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है, इससे आप स्प्रेडशीट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। ये समझ सकते हैं आप, ये रो कहलाती हैं, ये कहलाती हैं कॉलम्स, ठीक है। और इसमें कुछ जानने जैसा कुछ है नहीं, मैं सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं एम एस एक्सेल मैंने आपको सब बता दी। तो चलिए हम चौदहवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का सही आंसर था टाइटल बार। चलिए 14वां क्वेश्चन हमारा, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं, ठीक है। वर्कशीट की जो एक सेल होती है पर्टिकुलर, उसमें कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। तो 14वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 256, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है फॉर्मेटिंग, ऑटो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं, किसका उपयोग किया जाता है। तो 15वें क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा आंसर फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग से संबंधित चीज़ करने के लिए कुछ भी करना है तो फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू ही करना होगा। ये जो सारी कमांड हैं वो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत ही आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सेल एम एस एक्सेल की वीडियो, यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।